बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि हर वर्ष ये होता है। आजमगढ़ महोत्सव फिर से शुरू हुआ है और बहुत ही शानदार शानदार कलाकार आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, पूरे देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं और मुझे लगता है कि हर बार जिस तरह से शानदार महोत्सव हुआ है इस बार भी बहुत बढ़िया होगा और लोगों को आनंद आएगा आजमगढ़ को। कई सवाल उठ रहे थे कि जिस तरीके से महोत्सव हो रहा है, महोत्सव में दिनेश जी की वापसी नहीं है, दिनेश जी का पिछली बार का अनुभव कुछ और था, इस बार और है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपनी शूटिंग में था, मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो मैं कल ही कंप्लीट किया अपनी मूवी और आज मैं आ गया। और आजमगढ़ में कुछ भी होता है तो हम लोग तो उसमें रहते ही हैं, हमेशा रहते हैं और आगे भी रहेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले जो कार्यक्रम होंगे उसमें भी हम लोग रहेंगे। अब ठीक है, वो तो धर्मेंद्र जी का अपना विचार है और जब ये महोत्सव का डेट रखा गया था तो किसी को पता थोड़े था कि बाढ़ आ जाएगी, तो रखा गया जिस समय उसकी तैयारियां हुई, काफ़ी समय से कलाकार लोग तैयारी कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्से से कलाकारों को बुलाया गया, सारा तैयारी की गई, जिला प्रशासन ने तैयारी की, तो बाढ़ भी जिला प्रशासन संभाल लेगी और ये महोत्सव भी संभाल लेगी, उसमें कुछ योगदान कर सकते हैं सांसद जी तो ज़रूर करें। अब तो ये जो लोग भेजने वाले हैं उनका ये विषय है, ये हम लोग का विषय नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो जिला प्रशासन कराता है, तो ये जिला प्रशासन का काम है किसको निमंत्रित कर रहा है, किसको आमंत्रित कर रहा है, और हमें भी तो नहीं बुलाया गया लेकिन हम आए हैं, हमें आज मुझे लगता है कि मुझे ये सिर्फ पता था कि 18 तारीख से हो रहा है तो हम, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब आजमगढ़ का जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, आजमगढ़ के साथ में हमेशा हमारा रिश्ता है, नाता है, तो हमको ज़रूरत थोड़े है कि हमको आप निमंत्रण देंगे तब हम आएंगे। आजमगढ़ में कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जहाँ पे कि हमको जाना चाहिए तो हम पहुँच जाते हैं, आ गए हम। विपक्ष भी यही बात उठा रही है कि आपको निमंत्रण नहीं दिया तो ये तो बड़ा हास्यास्पद बात। नहीं, मुझे लगता है ये कोई हास्यास्पद नहीं है और मुझे जो इसके पहले हमारे डीएम साहब थे जब तैयारी चल रही थी कि अब इस बार भी होना है तो उन्होंने मुझे सूचना दिया था कि हम लोग इस बार फिर प्लान कर रहे हैं कि जैसे पिछली बार हुआ था इस बार भी हो रहा है, तो जानकारी तो थी ही, अब जानकारी मिल गई उतना ही काफ़ी है। यादव जी कल आए तो उनका बड़ा आरोप था कि रेलवे लाइन को लेकर झूठ बोला, रिंग रोड को लेकर झूठ बोला, दीवारा को लेकर झूठ बोला, जबकि एक पैसा कहीं से कोई पास नहीं हुआ था, आप लोगों को जनता को गुमराह किया। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जब बनेगी और बनना शुरू होगी तो धर्मेंद्र यादव को जवाब मिल जाएगा। मुझे लगता है कि सदन में ही जवाब दे दिया था वित्त मंत्री जी ने, जब उन्होंने ये सवाल सदन के अंदर कहा था कि पहले के जो सांसद थे उन्होंने कहा था कि रेलवे लाइन पास हो गई है तो उस पर पैसा ही नहीं आया, तो वित्त मंत्री ने खुद सदन में कहा कि उस पर पैसा पास हो गया है, तो सदन के अंदर ही उनको जवाब मिल गया था और आगे अब जब धरातल पे चीज़ें होने लगी तो बाकी जवाब भी मिल जाएगा उनको। चल रहा है कि विधानसभा चुनाव में आप उतर सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है? नहीं, मुझे आप सब जानते हैं कि मैं फिल्मों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ कि मेरे पास इतना समय नहीं है। हाँ, वो जब चुनाव था प्रधानमंत्री जी का चुनाव था और उसमें पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आपको इस जगह लड़ना है तो मैं लड़ लिया, लेकिन अब बाकी और लड़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास हर महीने एक फिल्म है और मैं कितना दिन तक उन लोगों को बैठा सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है, वो करना पड़ेगा। लगातार योगी जी पर हमला कर रहे हैं, कहीं उनको आप मठाधीश समझिए, वो संत नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीति में देखिए ना कुछ गलत होता है ना कुछ सही होता है, अपना अपना नज़रिया होता है, तो जिस नज़रिए से अखिलेश जी किसी भी चीज़ को देखते हैं ये उनका नज़रिया है और योगी जी जिस चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं उनका नज़रिया है, तो मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश ये जानता है, पूरा देश जानता है कि योगी जी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारा है, उत्तर प्रदेश में कितना काम किया है, उत्तर प्रदेश को कितना आगे लेके आए हैं, ये पूरा देश जानता है। इसके लिए अखिलेश यादव जी के कन्फर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं अखिलेश जी, सनातन धर्म को लगातार कह रहे हैं कि जो संत हैं वो मठाधीश हैं, वो माफिया हैं, क्योंकि उनकी राजनीति ही वही है, वो उसको तो हमको समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी की राजनीति ही यही है
कि वो समझते हैं कि वो हिंदुओं का खिलाफत करके, सनातन का खिलाफत करके, मुसलमानों को खुश करके और राजनीति करेंगे और इसमें वो सफल भी हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि हमलावर रहे, मुझे लगता है जिस चीज़ पे हमलावर वो रहते हैं उसका वो जो तथ्य है वो निकाल लें कि कोई भी ऐसा अगर कुछ भी होता है तो एक साधारण आदमी के पीछे तो ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा कोई इनामी बदमाश होगा या कोई ऐसा अपराधी होगा जिसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई करेगी। क्या योगी सरकार जात देख के इनकाउंटर करती? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है अगर जात देख के इनकाउंटर करती तो विकास दुबे का क्यों इनकाउंटर किया। समाजवादी पार्टी ने कल या परसों में 2 लाख रुपया उसके परिवार को इनाम भी दिया है, इसे क्या दर्शाना चाहिए? किसके परिवार को? मंगेश यादव को मुआवजा दिया। अब वो क्या मैटर है पूरा उसको समझेंगे तब तो समझ में आएगा क्या है, क्या उसके पीछे का तथ्य क्या, वो जानने के बाद ही समझ में आएगा। चलिए दिनेश जी, अब छोड़िए, महोत्सव का माहौल चल रहा है। अभी भूत मंडली की हम लोग शूटिंग कर रहे हैं जौनपुर में। हॉरर कॉमेडी फिल्म है और उसकी शूटिंग कल ही कंप्लीट हुई है और उसके बाद हम लोग सीधा महोत्सव में आ गए। सुनाइए, क्या सुनेंगे? जो गाने सुना दीजिए जो हमारे दर्शकों को। गाना कुछ बनाने तो दीजिए। अरे आप खड़े खड़े बनाते हैं तो खड़े खड़े किस विषय पे सुनेंगे बताइए? इस माहौल को बताइए, जो आवाजें उठ रही हैं, जो महोत्सव को लेकर हो रहा है, महोत्सव में माहौल हुआ है। मुझे लगता है कि आजमगढ़ के लिए हम लोगों ने हमेशा यही प्रयास किया है कि मेरा आजमगढ़ चमकता रहे, मेरा आजमगढ़ आगे बढ़ता रहे। आजमगढ़ में किसी भी अगर जो भी विकास की गति आती है वो यहाँ रुकने नहीं चाहिए, इसके लिए हमेशा हम लोग प्रयास करते हैं। जय हो जय हो जय हो आजमगढ़, जय हो जय हो जय हो आजमगढ़। अब दूसरा गाना अगले वे सुन लिया।